अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम को लेकर। दोस्तों आज आपकी डेट हो चुकी है 13 नवंबर 2019 के बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बीएड, क्या आप प्राइमरी के हर शिक्षक भर्ती में मान्य होगा? जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में जितनी बार भी शिक्षक भर्ती आएंगी, क्या हर बार बीएड को लिया जाएगा या आने वाले समय में बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डीएलएड करने से फायदा क्या मिलेगा। अगर दोस्तों आपके हर एक शिक्षक भर्ती में जब बीएड मान्य ही हो जाएगा और बीएड के बच्चों को टीजीटी पीजीटी में एक्स्ट्रा मौका दिया जाएगा, तो दोस्तों डीएलएड करके आपको फायदा क्या मिलेगा। डीएलएड करने से आपको न तो टीजीटी पीजीटी में मौका मिलेगा, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर आती है। और बीएड के छात्र जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी मान्य हो जाएंगे, फिर डीएलएड का मतलब क्या रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ खड़ा हो जाएगा कि आप लाखों रुपये अगर बर्बाद करेंगे तो आप डीएलएड करने से आपको मिलेगा क्या। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट। टेट में 10% आरक्षण को याचिका, राज्य सरकार से यह व्यवस्था ना होने की जानकारी तलब। अगली डेट दोस्तों 14 तारीख को लग चुकी है। फिर दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब तलब। डीएलएड 2019 की 60,000 से अधिक सीटें खाली, सीधे प्रवेश के मौके पर भी नहीं भर पाई सीटें। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बड़ी अपडेट इसलिए हम लेकर आए कि डीएलएड की इस साल 2019 में जो एडमिशन हुआ उसमें 60,000 से अधिक सीटें रह गई हैं खाली। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि यार 60,000 बच्चों ने एडमिशन तक नहीं लिया, तो सोचिए कॉलेज का कितना नुकसान हुआ होगा। और आपको बता दें प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है 41,000 तो होती है, 41,000 गुणे आप 60,000 कर दीजिए तो कितना बड़ा आंकड़ा आपके सामने दिखेगा। तो सोचिए इतना कॉलेज का नुकसान हुआ इस बार पैसों के मामले में। सिर्फ इस कारण से ये नुकसान हुआ दोस्तों कि अब बीएड के बच्चों को मौका मिल चुका है, अब बीएड के बच्चे भी सीधे नौकरी पा पाएंगे शिक्षक भर्ती में। तो बस इससे इतना नुकसान हुआ है कॉलेजेस का। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 2020 में बीएड में एडमिशन लेना हो सकता है मुश्किल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए अब हर एक बच्चा चाहे अगर हम बीएड में ही एडमिशन लें, डीएलएड करके हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों डीएलएड के फायदे भी देखेंगे इस वीडियो में, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नहीं होगा, डीएलएड का भविष्य क्या होगा दोस्तों उस पर भी बात करेंगे। फिर दोस्तों बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में लाखों छात्र। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड और बीएड के लाखों छात्र अब इंतजार में बैठे हैं कि अगली शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। देखिए डीएलएड 2017 बैच का पेपर भी कल से शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, कल से आपका पेपर शुरू हो रहा है। 14 नवंबर से कल से बच्चों का पेपर शुरू हो रहा है डीएलएड 2017 बैच का। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एपीआर का चयन बेसिक शिक्षा विभाग के लिए बना संकट, क्रेडा ऐप के विरोध का भी पड़ रहा है असर। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों सबसे पहले आप देखते हैं ये वाली अपडेट जो आई हमारे सामने, 72,825 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर जवाब तलब। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त रह गए 6,170 पदों पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने सुरेंद्र कुमार कनौजिया व 40 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता, ठीक है दोस्तों, ऋषभ कुमार को सुनाकर दिया है। याचिका के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त रह गए 6,110 पदों पर नियुक्ति के लिए अलग से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इस मामले में सरकार ने याचिकाओं का प्रत्यावेदन खारिज कर दिया। इसके पीछे सरकार का कहना था कि 86,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में 6,170 पद भी शामिल कर पूरी भर्ती कर ली गई है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऐसा चीज कहा गया है। देखिए दोस्तों ये चीज हम आपको बता रहे थे, अगर कभी भी आपके पद खाली रहते हैं, जैसे दोस्तों आपने देखा कि शिक्षक भर्ती में 72,825 में 6,170 पद खाली थे, तो दोस्तों उस पर एक हमें अलग से विज्ञप्ति जारी करना पड़ता। देखिए विज्ञापन जारी करने का आदेश था लेकिन हुआ नहीं, मानते हैं बात, लेकिन दोस्तों ये होता है रूल। अब दोस्तों बात कर लेंगे आपसे, एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई जो पहले यूपी टेट से संबंधित है, टीईटी में 2019 में 10% आरक्षण को याचिका, ठीक है दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से टेट 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ नहीं देने की जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विनय कुमार पांडे व अन्य की याचिका पर दिया है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि संसद में संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसकी अधिसूचना
18 फरवरी 2019 को जारी की जा चुकी है और कानून भी प्रभाव में आ चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से जारी टेट 2019 के विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष आरक्षित वर्गों को न्यूनतम अंक में 5% की छूट भी प्रदान की गई है। तो दोस्तों एक ये बड़ी अपडेट हो सकती है आपके सामने कि टेट में क्या पेपर रोका जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मामला अब आपके कोर्ट में जा चुका है। तो दोस्तों इसमें फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे कुछ आते थे जिनको 10% का आरक्षण दिया जाना था, अगर इनको आरक्षण मिलेगा तो इनकी भी पासिंग मार्क 82 नंबर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि लास्ट में देखिए लाइन साफ साफ लिखा गया है कि जब भी अन्य जातियों को दोस्तों बोला गया न्यूनतम 5% अंक छूट प्रदान की गई। तो दोस्तों क्या जनरल का भी इस बार यूपी टेट में फाइनल कटाव 82 नंबर हो सकता है? देखिए दोस्तों एक और सवाल खड़ा होगा कि किन किन बच्चों को फायदा मिलेगा। दोस्तों इस पर तो काफी डाउट थे कि अभी ये सही से क्लियर ही नहीं हो पाया कि किन बच्चों को मिलेगा मौका, लेकिन अब दोस्तों एक ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फिर दोस्तों बात होगी कि क्या आने वाले टाइम में जो भी शिक्षक भर्ती आएंगे उसमें जनरल के बच्चों को फायदा मिलेगा, तो दोस्तों देखने वाली बात होगी और एक ये बड़ी अपडेट से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके सामने डीएलएड, ठीक है। 2019 की 60,000 से अधिक सीटें अभी भी खाली। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण परीक्षा डीएलएड 2019 में करीब 60,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। यह हालात तब है जब दो चरणों काउंसलिंग हुई फिर भी और फिर सीधे प्रवेश का मौका दिया गया। हालांकि सीधे प्रवेश में 19 से अधिक अभ्यर्थियों ने उत्साह दिखाया, इसके बाद भी निजी डीएलएड कॉलेजों की हालत खस्ता हो गई। डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को कई बार प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसकी काफी देर से संज्ञान लिया गया, इसलिए प्रवेश प्रक्रिया जुलाई व अगस्त में शुरू हुई। इस वर्ष में 2,29,150 सीटें थी। आवेदक अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार प्रवेश देने का निर्देश हुआ। करीब 1.5 लाख से अधिक आवेदन हुए। कार्यालय की माने तो करीब 1,70,000 से अधिक ने ही प्रवेश लिया, जबकि करीब 60,000 से अधिक सीटें खाली रह गई। देखिए दोस्तों हुआ क्या ना, सभी बच्चे होशियार निकले और उन्होंने बीएड मेड भी कर लिया। उन्हें पता है कि यार बीएड का भविष्य उज्ज्वल है, आने वाले टाइम में उनको फायदा ज्यादा मिलेगा। डीएलएड करके हम लाखों रुपए क्यों बर्बाद करें? सिंपल सी बात दोस्तों खड़ी होती है कि हम डीएलएड क्यों ही करें। अब दोस्तों देखिए बात करेंगे इस वीडियो में, अगर आप डीएलएड और बीएड के छात्र हैं तो आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। पहले दोस्तों बीएड के छात्र तो आप फायदे समझ लीजिए, बीएड के फायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको हर उन शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा जो बच्चे डीएलएड के छात्र दे सकते हैं, ठीक है। मतलब डीएलएड बराबर आपका बीएड हो चुका है, ठीक है, या हम दोस्तों इसको बोलें बराबर भी और ये ग्रेटर देन भी है। बीएड बड़ा भी है दोस्तों, बराबर भी कहा जा सकता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जब पीजीटी अन्य शिक्षक भर्ती आएंगी तो डीएलएड के बच्चों को सीधे तौर पर बाहर किया जाएगा, इनको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, इन बच्चों को हो जाएगा नुकसान। अब डीएलएड के बच्चे फायदा कैसे उठा सकते हैं, देखिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए ये बहुत ही कारगर तरीका हो सकता है, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल पर दोस्तों शिक्षक भर्ती में आए कि हमें यार सहायक अध्यापक ही बनना है, असिस्टेंट टीचर। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का भाई लक्ष्य निर्धारित है कि हमें असिस्टेंट टीचर ही बनना आने वाले समय में, हमें टीजीटी पीजीटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों अगर वो बच्चे टारगेटेड हैं, अगर उन्होंने पहले से भी एकेडमिक अच्छा मेंटेन कर रखा है, तो दोस्तों डीएलएड में श्योरली दोस्तों 90% अंक ले आएंगे। 90% लाना बहुत ही आसान होता है डीएलएड में। अब बीएड में आप बहुत ज्यादा लाएंगे तो 70 से 72% या 75 लाएंगे, ठीक है। डीएलएड का एक औसत छात्र 90% नंबर ला सकता है, जबकि बीएड का छात्र वही 70% तक लाएगा। अब आप समझिए यहाँ पर अंतर कहाँ से क्रिएट होगा। अगर कोई डीएलएड के छात्र 90% लाता है तो इसका मतलब साफ है कि 90 का 10% का मतलब होता है 9 अंक का गुणांक और 70 का मतलब होता है 7 अंक का गुणांक। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई 9 बड़ा है 7 सीधे 2 अंक गुणांक का डिफरेंस आ गया। दोस्तों ये 2 नंबर का डिफरेंस नहीं, 2 अंक के गुणांक का है। आने वाले टाइम में दोस्तों जब शिक्षक भर्ती आएंगी ना, हम आपको बता दें एक दो बच्चे छात्र आवेदन नहीं करेंगे। अगर मान लेते एक छात्र डीएलएड का भी टॉपर था, मतलब एक दो टॉपर दोस्त हैं, समझ लीजिए दोस्तों अगर कोई बच्चा अपने ग्रेजुएशन लेवल पर टॉप किया है, दो दोस्त, एक बच्चे ने डीएलएड को ज्वाइन किया और दूसरे बच्चे ने बीएड को ज्वाइन किया, उसके बाद दोस्तों जब दोनों बच्चे टॉपर थे तो ये बच्चा है तो आगे चलकर यूपी टेट में भी अच्छा स्कोर कर जाएगा, तो उसको 1/4 का भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये बच्चा भी यूपी टेट में अच्छा स्कोर करेगा। मान लेते दोनों बच्चों ने यूपी टेट में 140 नंबर लिया है, इसने भी 140 नंबर लिया है, ठीक है दोनों दो। उसके बाद दोस्तों सुपर टेट का पेपर होता है आने वाले टाइम, हम मैक्सिमम नंबर ले रहे हैं, ये बच्चे ने 120 नंबर स्कोर किया, इस बच्चे ने भी 120 नंबर स्कोर किया,
ठीक है दोस्तों, और मान लेते कि ग्रेजुएशन और इंटर हाई स्कूल में, ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में दोनों बच्चे समान थे। इस बच्चे ने भी 75 लाए, इस बच्चे ने भी 75 लाए, इस बच्चे ने भी 75 लाए, दोनों बच्चे हर जगह समान थे। लेकिन इस बच्चे ने दिमाग लगाया कि वो डीएलएड में एडमिशन ले लिया, ठीक है, डीएलएड में आके वो 90% ले आता है और वो बच्चा बीएड में आके 70। लेकिन बात क्या है ना दोस्तों, आप उससे ज्यादा नंबर ला ही नहीं सकते, डीएलएड में 90 से भी ऊपर जा सकते हैं। काफी बच्चों ने तो इस बार 93% तक गए, 94 तक गए, 95 तक भी चले गए, ठीक है, 95.5 मेरिट जा सकते, चलिए इसमें आप 75 तक चले जाएंगे, 7.5। तब भी दोस्तों आप दोनों देख रहे, अगर दोनों बच्चे टॉपर हमेशा दोस्त हमेशा से बराबर रहे, लेकिन इस बच्चे ने डीएलएड का कोर्स करके ये 95% तक लाया, ये 75 तक लाया, तो ये बच्चा लेकिन नौकरी लेकर जाएगा डीएलएड वाला, ठीक है, क्योंकि यार यूपीटेट और सीटेट का सबका पेपर सेम होता, तो यार ये तो बच्चे पीछे होंगे नहीं, और डीएलएड का काफी सिलेबस भी मैच करता है यूपीटेट से, तो इस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी डीएलएड करने वाले छात्र को, बीएड वाला बच्चा बाहर होगा, जबकि दोनों दोस्त हमेशा से टॉपर थे और एक साथ पढ़ाई की, लेकिन नौकरी डीएलएड के छात्र ने ले लिया। लेकिन दोस्तों वही बात हम फिर से कहेंगे कि अगर आप डेडिकेटेड हैं कि नहीं हमें असिस्टेंट टीचर ही बनना है, कुछ बच्चे होते हैं यार कि इनको ऑप्शन ज्यादा मिलना चाहिए, जैसे टीजीटी पीजीटी के आने वाले टाइम में छोटी मोटी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली दोस्तों, 40,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी, याद रखना है 40,000 पदों पर। तो दोस्तों देखिए, अभी जितना ज्यादा लेट हो रहा है उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा उन बच्चों को जो बच्चे अभी बीएड का कोर्स कंप्लीट नहीं किए। जब दोस्तों आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो भी आप भी आवेदन करने के लिए मान्य हो जाएंगे। तो फिलहाल नवंबर अब आधा आ चुका है, नवंबर दिसंबर दोस्तों बीतते ही अगला साल, जहाँ 6 महीने बिता लीजिए, आपका सेशन कंप्लीट होते दोस्तों आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा लेट और हो जाए उन बच्चों के लिए दोस्तों, जो बच्चे अभी पढ़ाई में है और जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं वो सोचेंगे थोड़ा जल्दी आ जाए, ताकि दोस्तों कि उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें होती है, कितने कम बच्चे आवेदन करेंगे उतना ही ज़्यादा चांस बनेगा आपको नौकरी पाने का। तो दोस्तों दो बड़ी अपडेट्स, आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जनरल के बच्चों की मेरिट कम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जनरल के बच्चों की मेरिट कम हो सकती है, 10% आरक्षण मिलने के बाद हो सकता है कि इन बच्चों को अभी 82 नंबर पासिंग मार्क दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट कि डीएलएड में 60,000 सीटें खाली अभी भी, लेकिन अगर आप दो बच्चे टॉपर हैं तो दोस्तों आप समझ जाएंगे कि नौकरी किसको मिलेगी, डीएलएड करने वाले बच्चे को ही मिल पाएगी, बीएड के बच्चों को नहीं मिलेगा। तो डीएलएड का भविष्य खतरे में तो है मानते हैं दोस्तों, लेकिन अगर दो टॉपर बच्चे होंगे तो आप यही कहानी होगी, डीएलएड वाला बच्चा नौकरी पाएगा, बीएड वाला नहीं पाएगा। लेकिन बस ये दिक्कत होगी, जब पीजीटी पीजीटी की वैकेंसी ये सब आती रहेंगे, तब बीएड का बच्चा खाली देखता रहेगा यार, कुछ कर नहीं पाएगा, उसको मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ बीएड का बच्चा बाजी मार सकता है। नई शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2020 दोस्तों कल से, तो दोस्तों देखिए आज 13 नवंबर हो चुकी, तो आज से आप बड़ी सुनवाई शुरू हो रही है। तो दोस्तों जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती का केस फाइनल होगा, उसके बाद आपकी नई शिक्षक भर्ती के लिए कुछ खबरें आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब भी दोस्तों बड़ी अपडेट्स आज निकल कर आए काफी। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। तो डीएलएड करने का आपने फायदा देख लिया ना, डीएलएड करके भी नौकरी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, बस कंपटीशन तगड़ा देंगे बीएड वाले बच्चों को, बस वही बात है, आप एक टॉपर होने चाहिए। कभी भी दो टॉपर दोस्त होंगे तो एक टॉपर दोस्त डीएलएड से नौकरी लेकर जाएगा, बीएड वाला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब दो सीटें होंगी या एक सीटें होंगी तो दोस्तों डीएलएड के बच्चे को ऑब्वियसली नौकरी मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों एक पहला सवाल था ये हमारा, जाते जाते मैं आपने उत्तर नहीं दिए, क्या बीएड हर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मान्य हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर यस होगा, अब ये आपका कानून बन चुका है, तो आने वाले टाइम में जितनी भी शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें बीएड को हम मान्य करते जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड।